हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन जो कि देख पा रहे हैं दोस्तों आया है। और इसमें फॉल्ट यह है कि इसका डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, लाइन बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसमें इलेक्ट्रा कंपनी का इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है जो कि काफ़ी हैवी है दोस्तों, और इसका नेम प्लेट भी देख सकते हैं। तो इसे आज हम रिपेयर करके आपको दिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। और इसमें जो हमने ट्रिक आजमाया है वो भी आप देख पा सकते हैं इसमें। तो देख सकते हैं कि हमने इसे इसका नट पहले से ही खोल के रखा हुआ था, और इसका कुछ जो है इसमें इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं देख सकते हैं, काफ़ी हैवी है ये। और इसका जो पावर है दोस्तों 250 250 एम्पियर का वेल्डिंग मशीन है ये। और इसका कैपेसिटी और इसमें जो रॉड गलाने का जो क्षमता होता है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें हम लाइन इनपुट देके इसका जो मेन फिल्टर कंडेंसर होता है दोस्तों, यहाँ पे तीन लगे हुए हैं, तो उस पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे स्विच ऑन कर देते हैं मशीन का, तो देख पा रहे हैं कि इस मीटर को अभी फ़िलहाल मैंने 1000 DC वोल्ट के 1000 रेंज पे रखा है। बहुत ही सावधानी से चेक करना होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक का भी खतरा रहता है। इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है तकरीबन 220 230 के आसपास। तो यहाँ तक वोल्टेज आने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका वायर सही है, स्विच भी सही है, और इसमें जो लगे हुए ब्रिज रेक्टिफायर होता है दोस्तों वो भी बिल्कुल ओके है। तो यहाँ तक तो अपना लाइन आ रहा है ठीक। अब दोस्तों हम इन कंडेंसर को डिस्चार्ज कर लेते हैं, देख पा सकते हैं कितना चार्ज रहता है ये। जब एक बार इसमें लाइन इन कर देते हैं, लाइन दे देते हैं, तो ये चार्ज हो जाता है यदि आपका मशीन ख़राब है तो। यदि सही है तो ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाता है। देख सकते हैं ये डिस्प्ले पे लाइन आने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक सर्किट लगा हुआ है, और इस सर्किट को इस तार की मदद से 5 वोल्ट सप्लाई जाता है, और 5 वोल्ट तभी बनेगा दोस्तों जब ये 24 वोल्ट वाला सर्किट है। यहाँ पे देख पा रह सकते हैं जब ये 24 ये सर्किट 24 वोल्ट का है, और 24 वोल्ट जब तक इसमें नहीं बनेगा तब तक डिस्प्ले पे लाइन नहीं आएगा और मशीन ऑन नहीं होगा। कितना हैवी सामान सब लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 24 वोल्ट का जो यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है, तो उसको सप्लाई देने के लिए और उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक फिल्टर कंडेंसर लगा हुआ था ठीक है, 450 वोल्ट, और ये माइनस है इसका 450 वोल्ट का फिल्टर कंडेंसर लगा हुआ है जो कि यहाँ पे वोल्टेज को फिल्टर करता है। तो यहाँ पे ये माइनस ये सॉरी ये माइनस ये ऊपर वाला प्लस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे फिल्टर कंडेंसर लगा हुआ है तो यही वोल्टेज वहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि 450 450 का कंडेंसर लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पे भी वोल्टेज आना चाहिए। और ये वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोड रजिस्टर लगा हुआ है 5 वाट 47 ओम्स का। इन रजिस्टर के थ्रू जो है इस कैपेसिटर में वोल्टेज आता है, और इस सर्किट में वोल्टेज प्लस वोल्टेज जो है आता है। तो सबसे पहले इन कंडेंसर कैपेसिटर पे हम जो है यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, 200 250 के आसपास होना चाहिए।
यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, थोड़ा मेजर कर लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज अपना सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने वोल्टेज को चेक कर लिया है, और अब दोबारा से हम इन फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में यहाँ प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, वो आपको हम नहीं दिखा पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब दोस्तों ये लोड रेजिस्टेंस का जो हम बात कर रहे थे दोस्तों, अब लोड रेजिस्टेंस ही यहाँ पे एक्चुअली ख़राब है, ठीक है। तो उसके बदले में फ़िलहाल हम यहाँ पे चार रेजिस्टेंस जो कि 10-10 ओम्स का है दोस्तों, क्वार्टर वाट का, हम यहाँ पे टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं 40 ओम्स का रेजिस्टेंस सीरीज करके अभी सोल्डिंग कर रहे हैं। इन सीरीज रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना वेल्डिंग मशीन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो हम यहाँ पे अभी दोस्तों सप्लाई देते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को, तो आप जैसा कि जानते ही हैं कि हमने यहाँ पे इसे सप्लाई देना है सीरीज पे, सीरीज लैंप के द्वारा ही सप्लाई देना है, ना कि डायरेक्ट, ठीक है। तो सीरीज लैंप पे ही यहाँ पे हम इसे सप्लाई देते हैं और इसे ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं कि अपना यहाँ पे डिस्प्ले पे लाइन आ चुका है, डिस्प्ले आ चुका है और मशीन भी ऑन हो चुका है दोस्तों। और इसका फैन भी ऑन हो चुका है, फैन भी घूम रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो एक्चुअली डैमेज था, ख़राब था। अब इसे हम सेम वैल्यू का यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा के इसे हम फिक्स कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर से दोबारा से हम इसे डिस्चार्ज करने का कोशिश करते हैं। अब देख सकते हैं कि अब चार्ज भी नहीं है कंडेंसर, तो इसका मतलब मशीन अपना ओके हो चुका है। तो यहाँ पे हम एक पुराना वाला ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 6 वाट का है और 39 ओम्स का है दोस्तों रेजिस्टेंस। तो इसके जगह पे यहाँ पे हम ये वाला लगा रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब फिर दोबारा से हम मशीन को चेक करेंगे और इसका स्पार्क भी चेक करेंगे, और इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है दोस्तों 50 वोल्ट के आसपास, वो भी चेक करेंगे। ये वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद होता है कि आपको ट्रिक बताएं, तो कि मेरे वीडियो देखने के साथ ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, न कि वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मशीन को ऑन कर लिया, ऑन हो चुका है मशीन अपना। अब इसमें हम आउटपुट जो वोल्टेज होता है दोस्तों वो हम चेक करते हैं, और ये मीटर अभी 250 के रेंज में अब लगा हुआ है। माइनस प्रोब को माइनस में, प्लस को प्लस में देख सकते हैं यहाँ 50 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये स्पार्क भी करेगा और वेल्डिंग भी करेगा। आप तो देख सकते हैं स्पार्क इसका चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये स्पार्क भी हो रहा है, स्पार्क भी कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये इलेक्ट्रा कंपनी का जो है नॉर्मल जो फॉल्ट जिसमें कि नहीं आता, लाइन सप्लाई नहीं आता है, तो वो आप कर सकते हैं।